राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा सियासत हुई, उसके बाद जब बीजेपी जीत गई तब भी सबसे ज्यादा सियासत हुई थी क्योंकि बीजेपी को कोई सीएम फेस नहीं मिल रहा था। उसके बाद सीएम फेस का ऐलान हुआ और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब भजन लाल शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। खबर है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भजन लाल शर्मा भरतपुर पहुंचे थे। भरतपुर में उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की, वहां पे उनका भव्य स्वागत भी हुआ। अब परिवार से मुलाकात करने के बाद भरतपुर से उन्हें गोवर्धन जाना था। वहां पर गोवर्धन के गिरिराज जी में उनको दर्शन करने थे, उसके लिए वो रवाना भी हो गए। लेकिन गोवर्धन पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार का पहिया सड़क के किनारे बनी नाली में चला गया। जिसके और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस साइड मुख्यमंत्री बैठे थे उसी साइड कार का हिस्सा एकदम झुक गया, जिसके बाद गाड़ी बंद भी हो गई। हालांकि कार का पहिया नाली में जाने के बाद, कार बंद होने के बाद मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी से रवाना कर दिया गया। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्यक्ष ने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, यानी भजन लाल शर्मा बिल्कुल सुरक्षित है और वो वहां से गोवर्धन के लिए रवाना भी हो गए थे। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि गोवर्धन पहुंचे भजन लाल शर्मा ने मुखारबिंद पर दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना की थी गोवर्धन में, लेकिन देर शाम तक गोवर्धन पहुंचने के कारण उन्होंने सिर्फ दर्शन ही किए। वहीं दर्शन करने के बाद सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनाथ जी मंदिर में प्रसाद भी ग्रहण किया था। इसकी तस्वीर भी आपको अंत में दिखा देते हैं। भाई